वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अमेजॉन हॉल वीडियो। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है जो कि एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, सो आई जस्ट थॉट कि मैं वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। और वीडियो भी इससे क्या होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेंगे एंड आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो सभी लोगों को पसंद नहीं आता। एंड इनकेस अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने एक जस्ट लिस्ट का लिंक शेयर किया है जहाँ पर जा करके आप मेरी सारी शॉपिंग देख सकते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि अमेज़ॉन से मैं किन सारी चीज़ों की शॉपिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करती रहती हूँ। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझे देखना पसंद है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो रैंडमली सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शॉप की है। सबसे पहले मैं यू नो हेयर केयर से स्टार्ट करना चाहूँगी। सो मैंने यहाँ पे हेयर केयर में कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। सबसे पहले मैंने मंगवाया है लॉरियल पैरिस का हाइलोरोन मॉइस्चर शैम्पू। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, एक दो बार मैंने इसको यूज़ किया है। बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर दे रहा है मेरे यू नो हेयर को। इनिशियली मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जस्ट एक ही दो बार वॉश किया है। एंड मैंने इनका कंडीशनर भी ऑर्डर किया था जो कि मैंने घर पर छोड़ दिया है। काफ़ी टाइम से मैंने ये सारी चीज़ें शॉपिंग की है, अभी रिसेंट की शॉपिंग नहीं है, इस वजह से यू नो कुछ चीज़ें मैंने मेरी मॉम के पास छोड़ दिया था। नेक्स्ट मैंने इसी में से ऑर्डर किया है लॉरियल पैरिस का हाइलुरोन मॉइस्चर नाइट क्रीम। ओके, तो आप इसको नाइट क्रीम लाइक अपने हेयर पे अप्लाई करके सो सकते हैं। साथ ही अगर आपको लिव इन क्रीम की तरह इसको यूज़ करना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर बहुत ज़्यादा डल हो गए तो भी आप इसको यू नो बाहर जाने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर दिया है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर सेंट बोटानिका का गो कर्ल्स शैम्पू। सो ये एक अफोर्डेबल रेंज का शैम्पू है कर्ली हेयर के लिए। तो मैंने कर्ली हेयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं, बट मैंने ऐसा नोटिस किया कि सारे प्रोडक्ट्स यू नो हेयर पर वर्क नहीं करते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि इतनी अफोर्डेबल रेंज में ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है तो मुझे इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा आपको मेरे टॉप 10 वीडियोज़ में या फिर जब मैं अपने एम्प्टीज शेयर करती हूँ तो एक छोटा सा रिव्यू भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट एक से डेढ़ मिनट का रिव्यू होता है हर एक प्रोडक्ट का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है मुझ पर। नेक्स्ट मैंने एक रेंज ऑर्डर किया है जो कि लॉरियल पैरिस की तरफ से है। सो दिस रेंज इज़ फ्रॉम लॉरियल पैरिस, मैंने भी बता दिया ऑब्वियसली। सो ये फर्स्ट जो है दिस इज़ देयर फेस वॉश। तो ये बेसिकली क्लेंजर है आपके फेस को ग्लोई बनाने के लिए। ग्लाइकोलिक एसिड है इसमें। काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी यूनिकॉर्न वाली इसमें पैकेजिंग आ रही है। सो दिस इज़ देयर फेस वॉश। साथ ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है इनके डे क्रीम एंड नाइट क्रीम जो कि लॉन्च हुए हैं। काफ़ी अफोर्डेबल यू नो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, तो मैंने ये भी ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि समर्स में तो मैं ऑल टाइम प्रॉपर स्किन केयर नहीं कर पाती, बट इन विंटर्स आई लव टू डू प्रॉपर स्किन केयर एंड आई ट्राई कि मैं अगर पर्टिकुलर कंपनी की चीज़ें यूज़ करूँ, एक ही रेंज की चीज़ें यूज़ करूँ, तो वो उससे क्या होता है ना स्किन पे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें काम करती है, मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इसी रेंज के मैंने सेरम भी ऑर्डर की है। सो दिस इज़ द सेरम एंड सेरम की मेरे पास एक अच्छी खासी कलेक्शन है, बट विंटर्स में क्या होता है ना कि मैं बहुत सारे सेरम्स परचेज करती हूँ एंड विंटर्स में मैं ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि समर टाइम में कोलकाता में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि मैं सेरम सप्लाई नहीं कर पाती। सो ये मेरा फर्स्ट सेरम है। ओके, नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल पैलेट। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम यू कैन बी। सो दिस इज़ अ यू नो फेस एंड बॉडी पैलेट। आई लव यू नो क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स जो कि मैंने आप अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। हेलोइन हो गया विंटर्स के लिए या फिर गॉड गॉडेसेस के, तो मैं बहुत तरीके के लुक्स शेयर करती रहती हूँ, तो उसी के पर्पज़ से मैंने इसको ऑर्डर किया है। काफ़ी टाइम से मैं इसको परचेज़ करना चाह रही थी, बट इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि कब परचेज़ करूँ, लूँ ना लूँ। फाइनली मैंने परचेज़ कर लिया। आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, प्लास्टिक की पैकेजिंग है एंड दीज आर द कलर्स यू गेट। तो अगर आपको भी इस तरीके के लुक्स क्रिएट करना पसंद है तो आप इस वाले पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट से कलर्स है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दे रखी है। सो दिस इज़ माय नेक्स्ट परचेज एंड आई एम लविंग इट गाइज। अभी हैलोइन भी आ रहा है तो मैं आप लोगों के साथ हैलोइन मेकअप लुक भी शेयर करूँगी। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है वाइल्ड स्टोन का ये ब्यूटिफुल सा आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस किट। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर गिफ्टिंग पर्पस। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये पूरी कार्टन बॉक्स है एंड एक मैग्नेटिक क्लोजर के साथ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक क्लोजर है इसमें एंड ओपन करेंगे
फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है। सो इनसाइड में आपको इस तरीके की बॉटल्स मिल जाएंगी अलग अलग फ्रेग्रेंस की। इससे क्या होगा, आप टेस्ट भी कर लेंगे सारे यू नो परफ्यूम्स को, साथ ही आप बोर भी नहीं होंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात हो गई। आजकल हर चीज़ की मिनी वर्जन आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके की 8 ml की बॉटल्स मिल जाएगी, टोटल 6 बॉटल्स हैं एंड फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर यू नो ऐसे तो ये बॉयज़ के लिए होते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन बॉय एंड गर्ल। मुझे जो अच्छा लगता है मैं अप्लाई कर लेती हूँ। सो यू कैन यूज़ दिस फॉर गिफ्टिंग पर्पस। आप दिवाली पे भी आप किसी को ये गिफ्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द किट। ओके, नेक्स्ट आई गॉट दिस काजल। दिस इज प्लम का काजल। नाउ मैंने मोस्टली ब्लू हेवन, स्टेक वर्क की, लैकमे, मेबलिन फेसेस के ही काजल यूज़ किए थे अभी तक। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे और भी काजल्स एक्सप्लोर करना चाहिए, सो दैट जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं और भी ब्रांड्स को रिकमेंड कर पाऊँ, या फिर जब मुझसे लोग पूछते हैं कि ये काजल कैसा है तो मुझे एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। सो मैंने ये प्लम का काजल ऑर्डर किया है 275 rupees का। सो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ये वाटरप्रूफ नहीं है। आई वॉन्टेड टू बी ऑनेस्ट ऑन माई वीडियो, लाइक ऑन माई चैनल। सो ये वाटरप्रूफ नहीं है। जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा स्वॉश किया था एंड मैं अपने हैंड वॉश करी थी विदाउट एनी हैंड वॉश, जस्ट मैं ऐसे पानी से धो रही थी एंड ये बिल्कुल लाइट हो गया। तो मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके देखा तो ये क्या हुआ ना कि ये वैनिश हो गया। सो दिस इज़ नॉट वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बट ऑब्वियसली ये आई थिंक 3 to 4 hours आपके आईज पे स्टे करेगा। ओके, नेक्स्ट आई गॉट दिस रेने ग्लास ग्लो। आई वॉन्टेड दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट मेरे पास स्टेक वर्की का प्राइमर ऑयल था तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, बट क्योंकि विंटर सीजन आ गई तो मुझे लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन। सो आई इन्वेस्टेड इन दिस एंड ये बहुत अच्छा सा ग्लो ऐड कर देता है फेस पे। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है, क्रिएटर्स को देखा है इसको यूज़ करते हुए, प्लस मैं स्टेक वर्की की प्राइमर ऑयल यूज़ करती हूँ। आई एब्सोल्युटली लव इट, बहुत अच्छा सा ग्लो ऐड कर देता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी फॉर्मूला होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट परचेज। लास्टली मैंने कुछ लिपस्टिक्स ऑर्डर किए हैं बहुत टाइम के बाद। सो इनका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने रिव्यू शेयर कर दिया है। सो दीज लिपस्टिक्स आर फ्रॉम सिंपली नम, थोड़ा सा हाई एंड यू नो लिपस्टिक है। मैं जनरली अफोर्डेबल चीज़ें ही मेरे चैनल पे दिखाती हूँ, जिसकी वजह से यू नो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें मैं परचेज़ करना चाहती हूँ वो परचेज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा अफोर्डेबल वीडियोज़ ही शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को वही पसंद है। बट मैंने सोचा एक बार इनको ट्राई करना चाहिए एंड जिनको हाई एंड लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करना पसंद है वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ एक लिपस्टिक ना 1300 की आती है, सो या इट इज़ लाइक एक्सपेंसिव, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लाइक इसको स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने और भी चीज़ें अफोर्डेबल रेंज की ऑर्डर की है। सो दीज आर द 3 lipstick, मैंने इसमें 3 shades ऑर्डर किए हैं। इनकेस अगर आप रिव्यू चेक करना चाहते हैं तो रिव्यू आपको मैं चैनल लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट पार्ट में शेयर करना चाहती थी, सो दैट मेरा वीडियो भी शॉर्ट रह जाए एंड आप लोग भी देख लो कि मैं क्या क्या चीज़ें अभी ऑर्डर कर रही हूँ। सो येस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को हॉल वीडियो पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट में आपको और ज़्यादा मेकअप की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि मैं जल्द ही शेयर कर दूंगी। सो येस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।